मतलब एक लड़का जो है ना बाहर वो घूम रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, मेकअप रूम में नहीं आ रहा. तो आई वेंट टू हिम, मैंने बोला आप अंदर आके बैठ जाए, अंदर एसी ऑन है. ही वॉज लाइक नो 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 आई एम फाइन. मैं ऐसे होता डायरेक्टर हूँ के यहाँ पास पे गई, फिर। कामरान सर के पास, कामरान अकबर के पास. मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा भाई हाउ एम आई गोइंग टू वर्क विद दिस बॉय, इतनी लव स्टोरी है, मैंने कहा ही इज सो रूड एंड ये फला. नहीं, वो उसामा नहीं, अरे यार वो ऐसा नहीं है यार, वो बहुत अच्छा है, वो दिल भाई का नहीं बात अच्छा है. होती लड़कियों से मेरे से, मैं मैंने क्या कहा नहीं, फिर मैंने शहर को करूँ। जाके बोला, मैंने कहा भाई इसका तो कुछ करना है अब, मैंने कहा. लेकिन देन फिर जब शहर आई मेरे पास, बात सुने चले अंदर। अच्छा उसका जरा अलग बिहेवियर है शहर का. आज भी उतनी मोहब्बत करती हो जितनी पहले करती थी? क्यों आपको मेरे प्यार में कोई कमी महसूस हो रही हो? मैंने तो वैसे ही पूछा, ईमान आप लोगों का मोस्ट रीसेंट ड्रामा तेरी राह में काफी अरसे से वो टॉप रेटेड ड्रामास की लिस्ट में रहा है. एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने कि इतना मकबूल होगा उसामा? हाँ आई थिंक किया था, इतना ज्यादा नहीं किया था, नहीं मतलब अगर आप मुझे लगता है उसामा ने नहीं किया था लेकिन मैंने किया था. नहीं मैं असल में होता क्या है कि मैं जब हम कोई ड्रामा साथ कर रहे हो जैसे मेरे अपने भी था तो मैं जैनब को कहता हूँ कि जैनब तुम्हें लगता है कि इसकी रेटिंग आएगी? क्योंकि लड़कियों को ज़रा पता होता है कि लड़कियाँ क्या देखेगी. वो जैनब कहती है हाँ आएगी, फिर हम कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाएगी. सारी जो कास्ट है ना उनकी दोस्ती बहुत हो गई. अब हम बहरोज भाई, मैं, शहरो, ये हम लोग सारे, शहजिल वगैरह एक दूसरे के हमारी साथ केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि सीन में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. अब मेरा भाई दानियाल बना है तो दानियाल से मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि वो सीन में ऑटोमेटिकली दिख रहा होता था. अगर मैंने हर जगह चेक कर लिया, ड्रॉअर में, ज्वेलरी बॉक्स में नहीं मिल रहा कहीं पर भी. ईमान हद होती केयरलेसनेस की, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? मेरे लैपटॉप से डेटा रोज आ रहा होता है ये ड्रामा, और आप कह रहे हैं अगस्त से शुरू हुआ था और इतना अरसा एक एक एपिसोड शूट करना डेली ऑन एयर हो रहा है, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था शूटिंग का? तुम पहले जवाब दोगी. ज़ैनब, थोड़ी सी हैसल तो थी और प्रेशर भी था, क्योंकि जब हमें पता चला कि डेली लगना है तो जाहिर सी बात है फिर क्विकली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा. फिर बहुत सारे लोगों के डेट्स में क्लैश होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जो कि बहुत ट्रबलिंग हमारे लिए. हाँ मेरे लिए तो नहीं आई, अब मुझे नहीं पता है. अगर मैं कोई और ड्रामा भी साथ कर रहा हूँ तो एक ऐसी सिचुएशन भी आई हुई है बीच में जब मैं 2 घंटे वहाँ पे करके 3 घंटे यहाँ पे करके 2 घंटे वहाँ वापस, ऐसे एक्टर्स की वजह से नहीं. उसका रीज़न ये है कि ड्रामा अगस्त से शूट हो रहा है, सुबह उठ के ऐसे जिम जाएं वापस आए, यूँ बैग पकड़ा शूट पे मौजा, हाँ भाई मेकअप कर दो, हो गए मेकअप, रात को बैठे हुए हैं, हाँ भाई पैकअप कर दो यार, छुट्टी दे दो, घर जाने दो, फिर शक्ल उतारेंगे, फिर घर जाएंगे, मेकअप उतारेंगे, ये वाली ज़िंदगी है बस. बस ईमान एक थी जो कि सांसें सारी चाहेंगी कि बड़ी अनरियलिस्टिक सी बहू आज के दौर में जो किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं सोचती, ऐसी बहू चाहिए. और मैं हर सीन से पहले पूछता था कि ज़ैनब ऐसी लड़की होती है? अब मुझे, मैंने अपनी काम वाली से पूछा एक दिन, मैंने कहा यार सारा ऐसी लड़कियां होती है, भाई मैं हूँ. अगर मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि यहाँ किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सबको मेरी गलती दिखाई दे. ये कैरेक्टर प्ले करके कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा. आप ये तो नहीं कहेंगी कि मैं भी ऐसी हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इतना बर्दाश्त, ये तो ये रोज कहती है कि कौन बर्दाश्त करेगा इतना, मैं नहीं, ऐसी इतना बर्दाश्त मेरे ख्याल से किसी में भी नहीं होता, लेकिन होना चाहिए. बट एक बहुत ज़्यादा, अगर ईमान के कैरेक्टर को एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो वो ये होगा कि वो बर्दाश्त बहुत था उसके अंदर, हर चीज़ को सहने का, जो उसने नहीं भी किया उसको भी सहने का कुछ चीज़ों में. तो बिला वजह तो मेरे ख्याल से वो बना घर, उस लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मार दी है तो तुम उसके लिए दोबारा से दैट यू हैव टू आस्क नादिया अहमद, आई डोंट नो, आई जस्ट प्लेड द कैरेक्टर. बट बना के रखने वाली लड़की थी और मुझे अच्छा लगा. इस ड्रामे के ऑन एयर होने के बाद से किस किस तरह का फीडबैक आपने देखा? मुझ पे तो लोगों को हर तरह का मुझे फीडबैक मिला है, गुस्से वाला भी, प्यार वाला भी, हमदर्दी वाला भी. कुछ लोगों ने गुस्सा किया, भाई इतनी मासूम हर वक्त रोती रहती है, क्या दिमाग ख़राब है, कुछ बोल लिया करो, स्टैंड लिया करो अपने लिए. कुछ लोग अरे कितनी प्यारी है, रोती रहती है, कितना बर्दाश्त है. हर तरह का फीडबैक मुझे तो हर तरह का मिला मैसेजेस. मेरा ख्याल है कि मेरा क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो गालियाँ भी पड़ती है वो दोबारा की तरफ से. और फिर लोग कहते हैं भाई तू इतना गुस्सा करते है, और फिर कभी कभी लोग कहते हैं यार कभी तुम गुस्सा क्यों नहीं करते.
फ़खर के कैरेक्टर की हम बात करें तो उसमें मुझे लेयर्स नज़र आई कि वो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं था कि एकदम से या तो माँ की बात सुन के बीवी की बात पर यकीन ही नहीं है या बीवी की सुन के माँ की बात पर यकीन नहीं है. कहीं कहीं ऐसा लगा कि हाँ, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव या अनबिलीवेबल वो नहीं था उसका. मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मतलब ठीक है मॉम, ईमान मॉम माँ ऐसे नहीं करो, मॉम ऐसी बात ऑफिस जा रहा हूँ, ईमान ना करो ऐसे. उसको फिर हमने थोड़ी टोन से करने की कोशिश की है, थोड़ा रिएक्शन से करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए. लेकिन उतना ही ज़्यादा दोबारा में तो आपको जितना गुस्सा आता है हर दूसरी एपिसोड में. वो मुझे लगता है कि वो मुझे वहाँ उतारता जाकर, अच्छा मुझे लगता है हाँ यहाँ से जो मुझे रह जाता है वहाँ पे उतारता है. मुझे एक चीज़ हमेशा लगती है, मैंने अभी दोबारा के बारे में कोई बात किसी से की नहीं जो मैंने अभी करनी है, कि वो एक ऐसा लड़का है जो कि बाप के मरने के बाद ना बिल्कुल एक लेफ्ट आउट से फील करे फैमिली में. तो उसकी कोशिश है कि माँ एक दफ़ा तो उसके साथ बैठ के बात करे, मतलब माँ हर बंदे के साथ बैठ के बात कर रही है, उस लड़के के साथ एक दफ़ा तो बैठ के उसकी फीलिंग सुने. रिलैक्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा. मगर मैंने कहा है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है. तेरी राह में के शूट की बात करें, बैक टू बैक डेली एपिसोड आ रहा है, सेट लाइफ किस तरह की आप लोगों की होती है? भाई आज आपकी ब्लू शर्ट वाला सीन है, निकाल यार शर्ट तो घर रह गई तो भाई फिर क्या करें, कंटिन्यूटी ब्रेक कर दो भाई, अब घर आए हैं शार्प कंटिन्यूटी है फिर क्या करें. अच्छा मैं घर से लेकर आता हूँ, अच्छा यार कंटिन्यूटी ब्रेक कर दो, ब्लैक शर्ट पहना दो. इस तरह के ऐसे हुए हैं अक्सर कि इतने ही, क्योंकि हमने रूटीन में मेरी कोशिश है, मेरी में सारे ड्रामों के कपड़े रखे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कोई शर्ट गुम हो गई क्योंकि कपड़े सेट पे गुम हो जाते हैं. मेरे साथ यही हुआ है कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटीज़ के जो प्रॉब्लम्स देखी होंगी व्यूवर्स ने हमारे, वो इसलिए क्योंकि मेरा ड्रेस चोरी हो गया. आखिरी दिन ऐसा था कि मैं एक शूट से ब्रेक लेके आया था और मुझे 2 घंटे का टाइम था और मैं सेट पे एंटर हूँ, मैंने कहा फटाफट सीन करा लो, उन्होंने कहा हाँ रेडी है सब कुछ आ जाए, मैंने कहा हाँ सीन करा लो यार मैंने निकलना है. वो लंच ब्रेक थी तो लंच ब्रेक में मुझे था 1 घंटे में सीन हो जाएगा. मैं गया मैंने कहा इस कपड़े मैं चेंज करके आया, मैं चेंज करके आया कपड़े, इसके कपड़े नहीं मिल रहे. उसके बाद फिर बालों की जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने फ्रेशली अपने बाल कट करवाए थे इस कैरेक्टर के लिए. उसके बाद फिर जब आगे जाता रहा जाता रहा जाता रहा तो हमने कुछ ऐसे सीन्स किए जो बिल्कुल शुरू की कॉन्टीन्यूटी के थे, शादी से पहले के. अब हमारा एसोसिएट बोलता बाल बड़े हो गए कटवाने पड़ेंगे, मैंने कहा मैं नहीं कटवा रही, क्या मतलब कटवाने पड़ेंगे, कुछ करो इन्हीं को. तो इस तरह की चीज़ें बहुत हुई. अच्छा एक और हाँ चीज़ मुझे याद आई, हमारा जो घर बना हुआ था वो काफ़ी हिस्सों में डिवाइड था. जो हमारा लॉन्ज है वो एक अलग घर है, हाँ. जो हमारा कमरा है वो जो शहरोज का घर है उसके ऊपर वाला कमरा है, जो हमारा बाहर पार्किंग गैरेज है वो एक और तीसरा घर है, और जो शहजल का कमरा है वो एक पांचवा घर है. तो अगर हम लॉन में एंटर हुए हैं और हम पार्किंग में जाके वो दूसरे घर में चले गए, फिर हम अगर अपने कमरे में गए तो तीसरे घर में, फिर शहजल को बनाने के लिए कंटिन्यूटी को रखना अलग अलग दिनों पे, वहां तक कपड़े रखना वो एक आर्ट है. आपके तो ड्रेसेस को लेके भी काफ़ी क्वेरीज मैंने देखी ख़वातीन की कि ये किसी को पता है कि कहाँ का ड्रेस है या किस डिज़ाइनर का है या क्या है. हाँ मुझे फिर काफ़ी आपने जैसे पूछा डीएम्स बहुत आए मुझे कि ये किसका आउटफिट है ये किसका आउटफिट है, तो जाहिर सी बात है वो इंस्टाग्राम पे आप मेंशन कर लेते हो. फिर वो जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं बहुत सारे एंड ऑल दैट ना, कि ये इसी तरह का चाहिए जो ईमान ने पहना था, ऐसी लुक क्रिएट करनी है बिल्कुल. कैरेक्टर की अभी आप बात कर रहे थे कि लीड कैरेक्टर ऑफर के हवाले से, जितना मुझे याद है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7:30, 9 PM वाले स्लॉट्स में ही ज़्यादातर ड्रामाज रहे हैं. मुझे लगता है कि देखिए बेनिफिट तो आपको इससे बहुत होता है जब आप डेली ड्रामा करते हो जो डेली चल रहा होता है, और रिकग्निशन मिलती है बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हम लोगों को मिल रही है. सावरी के टाइम पर तब इतना नहीं था, तब था कि ये अगर सोप है तो ये सोप है, इसको इस ये इतना अच्छा नहीं होगा, इसके स्क्रिप्ट इतना अच्छा नहीं होगा. बट अब मुझे लगता है कि जैसा सीरियल है वैसा ही इनकी स्टोरीज भी वैसी, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मुझे तो ये लगता है. तेरी राह में के जो पोस्टर शूट जब इनिशियल रिलीज कर रहे थे उसामा अपने इंस्टाग्राम पे लगा रहे थे, तो इवन आई आल्सो थॉट द सेम, और मैं कमेंट्स भी नीचे देख रही थी कांग्रेचुलेशंस, ऐसा लग रहा था आप लोग की एक्चुअल में एंगेजमेंट. हमने वो मेरे अपने की थी एक शूट, वो एक साल में ड्रामा माशाल्लाह कंप्लीट हुआ, वो भी इसी प्रोडक्ट आई ड्रीम्स का था. उसमें हम मंगनी का फंक्शन होता था और फिर उसके बाद 2 महीने बाद शूट होती थी, तो हम वो पिक्चर हम कहते थे अब क्या करें, कोई ड्रामा तो ऑन ही नहीं हो रहा, तो हम वो पिक्चर पोस्ट कर दी. अच्छा मैं ना पिक्चर लगाकर मैं सो गई, दोपहर का वक्त था मैं लगा के सो गई. जब मैं उठी हूँ तो मुझे फोन आ रहे मुबारक हो मुबारक हो, मैंने कहा क्या हुआ है,
इंगेजमेंट हो गई. मैंने कहा मैंने कब की, मैंने ख्वाब ख्वाब देख रही हूँ कोई. इवन की अब तो मैं किसी इवेंट पे गया तो मुझे किसी ने कहा कि मंगेतर को नहीं लेके. मैंने कहा कौन मंगेतर. हम हो सकता है कहीं घूमने भी गए हो, लेकिन हम गए हो ग्रुप में. कराची जिस तरह गए थे हम, ग्रुप था एक पाँच छः लोगों का. लेकिन अगर हम दो के साथ पिक्चर होगी ना तो लोग करेंगे कि ये दो ही थे, तो वो ये वाले मसले आते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं आप लोग इस इंटरव्यू में डिक्लेयर कर रहे हैं. बट ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आपने सुने. मैंने तो आज भी मैं पढ़ रहा था कि भाई शादी जल्दी कर लो, छोड़ना मत इसको. तो मैंने कहा कि भाई मेरे रिश्ते आना बंद, मेरी शादी की उम्र जा रही है. बहुत अफसोस है मुझे. अच्छा मुझे रुबीना आपा ने कहा, रुबीना अशरफ, रुबीना आपा ने मुझे कहा सामा बहुत मुबारक हो, बहुत प्यारी लड़की है. मैंने कहा कहाँ, कहती तुम्हारी शादी हो गई, मंगनी हो गई ना. मैंने कहा नहीं रुबीना आपा नहीं हुई. और दूसरा ऑडियंस जो होती है ना वो किसी की भी सगी नहीं होती. इस तरह से कि दो बंदों का आज मेरा और वो मोहल्लत अगर आपने देखा हो तो मेरा और सबीना का था, तो लोग कोमल मेरा मिला रहे थे वो कोमल के साथ और सबीना के साथ भी. यहाँ आए तो इसके साथ, तो अब किस कितनी शादियाँ कर ले बंदा.